लोग
बल्कि पत्थर के टुकड़ों को दफन करो और उनके बीच सारी जिंदगी व्यतीत कर देते हैं उनको पाने के लिए। परंतु इस पृथ्वी पर केवल तीन ही जल अनाज और मीठे वचन। मीठे वचन ढूंढने से यदि सामने दुश्मन भी हो तो वह हमारी ओर या हमारे पक्ष में आ सकता है और कटु वचन बोलने से हमारा परमेश्वर हमारा दुश्मन बन सकता है। इसलिए हम सब को चाहे कितना भी तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति प्राणी उसके प्रति अच्छी आस्था रखनी चाहिए और अपने वाणी में मधुरता रखनी चाहिए। सहभागी शिक्षकगण एवं दीदी, एक गांव में एक शिक्षक रहते थे। क्योंकि उनका समाज में अपना एक स्थान था, अपना एक अलग व्यवहार था और उनका एक बालक था जो उनके ठीक विपरीत, उसके आचरण अच्छे नहीं और गुणों का भंडार था। तो उनके पिताजी उससे काफी शिक्षक रहते थे, काफी सोचते समझाया बुलाया, लेकिन वो उनकी बातों का ध्यान नहीं देता। चूंकि उस बाधा के कारण भी समाज में शांति डूबी होती थी, तो धीरे धीरे उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी और कुछ दिनों बाद उसी गांव में महात्मा जी आए। तो कहते हैं कि यदि बालक गलत रास्ते में जाता तो माता पिता अंतिम समय तक उसको यही प्रयास करते कि बालक हमारा पुनः सही रास्ते पर आए। कुछ लोगों ने बताया कि महात्मा जी आए हैं, उनसे जाके मिलिए, शायद आपका बालक जो है सुधर जाए। गए बालक सब कुछ लेकर भाई तुम वहां चलना पहले आना कहा, फिर उन्होंने कहा कि भाई एक बार करो उसके बाद जो तुम करना चाहते हैं। ठीक है, राजी हो गया, ले गए महात्मा जी के पास, ले गए। महात्मा जी ने देखा, बोले कहा कि भैया बैठिए और हम दोनों आश्रम की सहायता की आपके, लेकिन जल्दी उसको उस दूर ले गए। वही बताता जाए कि बेटा पूरे आचरण छोड़ दो, परिवार बचाना, समाज बचाना, एक स्थान बनाओ, माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप के कहने के साथ चलो। तो उस दूर जाते हुए एक छोटा सा कांटे का पेड़ मिला। महात्मा जी बोले थे इसको फाट दिए तो राय लिए आएंगे, आज तक आते आते लोगों को पसंद का कांटा चुने आए और पेड़ भी हो गए, उसने उखाड़ दिए। दूर और चलते गए, वही सारी चीजें बढ़ाते गए। उस दूर जाने के बाद थोड़ा बड़ा पेड़ मिला, उन्होंने वही बात दोहराई कि बेटा ये रास्ते में काटने का पेड़ है जिसको तुम दिन देख दो, राही आए आएगी हम तुम कष्ट होगा थोड़ा दिन चुप जाएगा। उसने उखाड़ के उसको फेंक दिया। उस दूर चलने के बाद वही सारी चुटिया बनाते गए, समझाते गए, हर चीज वही बातें। उस दूर जाने के बाद एक बड़ा पेड़ मिल गया, बोले मैं इसको भी बाहर फेंक दू। उसने पहले एक हाथ से प्रयास किया, दोनों हाथ लगा दिए, पूरी ताकत लगा दी, उसको उखाड़ के नहीं फेंक पाया, अंत में हार गया। बोला महात्मा जी ये अब मेरे से नहीं उखड़ने वाला। तो उन्होंने तुरंत बोला कि देखो बेटे, पहली बार तुमको जो पेड़ मिला वो कम समय का था, तुमने तुरंत उखाड़ के फेंक दिया। उस दूर जाने के बाद जो अगला पेड़ मिला वो उससे थोड़ा समय का था, उखाड़ के फेंक दिया, लेकिन ये पेड़ ज्यादा समय का है क्योंकि इसकी जड़ें जमीन को इतनी तेज
इसको उखाड़ के फेंकना तुम्हारे लिए मुश्किल है। ठीक उसी प्रकार यदि तुम समय रहते अपनी बुराइयों को त्याग दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो जैसे जैसे समय निकलता जाएगा और ये बुराइयां भी तुम्हारे अंदर जितनी जगह मजबूत कर लेगी कि अगर तुम उनसे दूर भी जाना चाहो या छोड़ना चाहो तो तुम उनसे दूर नहीं जा सकते। बालक के समझ में बात आ गई और उसका मार्ग हृदय परिवर्तित हो गया और उसके जीवन में बदलाव। हम आदिकाल से इन जंगलों में वास करते आए हैं, ये जंगल हमारे हैं। धर्म परिवर्तित करके अंग्रेज हमसे हमारे जंगल नहीं छीन सकते। भाइयों, अंग्रेजों के सामने मत झुको, आत्मसम्मान के लिए खड़े हो। बिरसा के अनुयायी गांव-गांव में जाकर बिरसा की इस शिक्षा का प्रचार करने लगे। उसके कहने से वनवासियों ने अंग्रेजों को लगान देना बंद कर दिया। ये सब देख अंग्रेजी हुकूमत तिल मिला गई और उन्होंने बगावत भड़काने के जुर्म के लिए बिरसा को 2.5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। लेकिन बिरसा का आंदोलन अब रुकने वाला नहीं था, न वनवासियों ने लगान दिया न बेगारी की। बिरसा के छूटने पर सारे वनवासी उसके गांव में इकट्ठा हो गए। बिरसा की क्रांति की पुकार से सिंहभूमि, छायबासा और रांची के जंगल गूंज उठे। अब वक्त आ गया है जब हम अपनी जमीनें अंग्रेजों से वापस लेंगे और एक नए सतयुग का आरंभ होगा। हम इस धरती के पुत्र हैं और यहाँ हमारा राज होगा। बिरसा गांव-गांव घूमकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा बढ़ाने लगा। बिरसा के अनुयायी तीर कमान से लड़कर भी अंग्रेजों की बंदूकों पर भारी पड़ने लगे। वे जंगल से आते और अंग्रेजों को मारकर गायब हो जाते। जिस तरह बिरसा हम पर और हमारे ठिकानों पे हमला कर रहा है, ऐसे तो ईसाई धर्म का यहाँ अंत ही हो जाएगा। बिरसा वनवासियों को ईसाई बनने नहीं देगा। हम बिरसा के सिर पर भारी इनाम रखेंगे, फिर देखते हैं वो भागकर कहाँ जाता है। हाँ, क्यों नहीं। रुपयों के लालच से भी किसी वनवासी ने बिरसा से गद्दारी नहीं की और अंग्रेजों को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा। एक बार जंगल में खाना बनाने के धुएं से अंग्रेजों को बिरसा के ठिकाने का पता चल गया। सभी वनवासी सरदार बिरसा समेत पकड़े गए और उन्हें सख्त कारागार में डाल दिया गया। बिरसा की कमर और पैरों में लोहे की बेड़ियां डाल उसे एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया। अंग्रेजों ने उसके खाने में आर्सेनिक नाम का जहर डालकर उसे मरवा डाला और दुनिया को ये बताया कि वो हैजे से मर गया। मात्र 25 वर्ष की आयु में बिरसा अपने धर्म और देश की रक्षा के लिए शहीद हो गया। 25 साल में इतना कुछ करने वाला कोई आम इंसान नहीं हो सकता और यही कारण है कि बिरसा मुंडा को भगवान का अवतार माना जाता है। आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार बन गई और उन्होंने ईसाइयों को खुश करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा के इतिहास को पुस्तकों से गायब करवा दिया। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा आज भी सभी हिंदुस्तानियों के दिलों में जीवित हैं। हम चाहे गांव में रहते हो या शहरों में, हम सब वनवासी हैं, क्योंकि हम सब जंगलों से ही तो आए हैं। भगवान बिरसा मुंडा सभी वनवासियों के भगवान हैं, वो हमारे। आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, यदि नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।